नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आज है 7 जनवरी 2023 और मैं हूँ अभी बूंदी राजस्थान के अंदर। मतलब पिछले एक दो दिन पहले मैं बूंदी आ गया था और उससे 7 दिनों पहले से मैं बूंदी के अंदर नहीं था, कोटा में था। कोटा के अंदर अपने गाड़ी के जो मॉडिफिकेशन था उसके कुछ अपन को सामान वगैरह खरीदने, तो उसी की यार प्रोसेस चल रही है। कुछ चीजें मिल रही है, कुछ चीजें नहीं मिल रही है और इसी वजह से कुछ वीडियोज भी नहीं आ पा रहा है, बिकॉज बिजी इतना हो जा रहे हैं कि वीडियो शूट करने का और एडिट करने का भाई टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, बाकी मैंने सोचा थोड़ा सा एक अपडेट देता हूँ आपको मॉडिफाइड 800 का, क्या प्रोसेस अभी चल रही है। फिलहाल तो भाई अपनी 800 की कुछ इस तरह की कंडीशन है। मतलब मैंने सुबह उठ के इसको वॉश कर लिया था, मतलब परसों आ गया था शाम को, तो कल भी थोड़ा बहुत काम करा था, वही मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या काम करा था। बाकी अभी का जो सीन है ना भाई, वो सीन ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है यार। गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पिछले 7 दिनों से किसी ने इसको स्टार्ट नहीं खड़ा, ऐसे ही यहाँ पर रैंप पे लगी हुई थी। I-20 यहाँ है, I-20 कोटा ही है, तो मैं उसे ही चला रहा था और ये यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो थोड़ा सा मतलब ये कार्बोरेटर वाली गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, तो कभी कभी ऐसा ठंड में हो जाता है कि स्टार्ट होने में प्रॉब्लम यहाँ पे करती है। तो हमने कल कोशिश करी इसको स्टार्ट करने की, नहीं हुई। थोड़ा बहुत मेरे को काम करा इंटीरियर के अंदर मैंने, और अभी एक्सटीरियर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मेरे को मार्केट जाके इसके अंदर करवानी है, तो स्टार्ट करना जरूरी है भाई। तो अभी मैं मोइन भाई को लेने जा रहा हूँ सीधा मार्केट में, ठीक है। अभी मैंने उनको फोन करा तो उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ, अपन बैटरी वगैरह लेके इसको चलते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके फिर मार्केट लेके आते हैं, और जो भी काम है उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले मोइन भाई को ले आता हूँ, अभी बाइक से जा रहा हूँ। बाइक के अंदर एक और मैंने चीज यहाँ पे कराई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ना। मतलब इसके अंदर मॉडिव लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भाई जब से 800 आई है आपने ना पल्सर में वीडियो डालना छोड़े, तो भाई ऐसा नहीं है, ये अपनी रानी है। इसको पर तो कभी वीडियो अपन छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि अपन बाइक से ही उठे हैं, ठीक है। कार तो अभी अभी आई है अपने पास, अपने पास पहले बाइक ही थी स्प्लेंडर, तो उससे अपन उठे हैं। और इसके अंदर जो मैंने चीज लगाई है बहुत ही शानदार चीज लगाई, ये रहने वाली है भाई, देखो मोबाइल होल्डर KDM का रहने वाला है ये। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप मोबाइल होल्डर कोई सोच रहे हैं बाइक के लिए, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई ये KDM का ये वाला लगाओ, क्योंकि यार इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत शानदार हो। जब इसको मोबाइल लगाते हैं ना, मोबाइल कहीं नहीं जाना आपका, और यहां से फिट होता है, ये अपना जो कांच रहता है वहां से फिट हो जाता है, और बहुत अच्छी चीज है भाई, तो इसको लगाना। फिलहाल फटाफट से मोइन भाई को ले आता हूं, उसके बाद का प्रोसेस बताता हूं आपको कार के अंदर कैसे कैसे क्या सीन रहने वाला है। साइकिल से थोड़ी ठंड खाने के बाद हम आ चुके हैं मोइन भाई के यहाँ पे। मोइन भाई कैसे हो भाई? सब बढ़िया, एक नंबर। और हमारे इधर सेठ जी हैं जो शॉप के ओनर है, भाई कैसे हो आप? एक नंबर। तो इनकी यहाँ पे शॉप है, आप देख सकते हैं मंगलम मोटर्स, यहाँ पे इंश्योरेंस का काम होता है। अगर आप बूंदी से हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए तो एक बार भैया से जरूर मिले, एक बार विजिट करें इनकी शॉप पर। अपना जो हुंडई शोरूम है उसी लाइन में है ये, और जो राइट हैंड साइड पर आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे एक बार आके विजिट करें। तो अभी अपन आए हैं मोइन भाई की शॉप पर, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। और अब मोइन भाई वो बैटरी का क्या सीन है अपना? सबसे पहली बात तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है अपनी, ठीक है, उसको स्टार्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे। और ये रही भाई एक और 800, कितनी सही लग रही है। मतलब ये अभी लिया है ना? अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे गाड़ियां खड़ी रहती है इधर इंश्योरेंस के लिए, क्लेम के लिए जो आती है सारी एक्सीडेंटल है भाई। देखो देखो क्या कंडीशन हो रही है, सब रिपेयर होगी और एक नंबर की। इनको वापस बना के भैया डिलीवर करें। तो फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद अपनी 800 स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हो। वो मोइन भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच तुम्हारे लिए आने के लिए और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। अच्छा तो इसमें दिक्कत क्या हो गई थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब इसको आया था तो मैंने इसके सेल्फ वगैरह मारे यहाँ पे, तो सेल्फ वगैरह मारने इसमें कार्बोरेटर में जो पेट्रोल रहता है ना वो नीचे उतर गया। अब उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं तो उसने पेट्रोल खींचा नहीं, तो इस वजह से सेल्फ तो जा रहा था बाकी पेट्रोल नहीं था, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। हमने इसको खोला, इसके अंदर पेट्रोल डाला और एक ही बार में यहाँ पे गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। हो गई ना स्टार्ट? तो इंजन तो यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीट है, जैसा कि मैंने बताया था। बस क्या होता है कि ठंडी में, ठंड में थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, कोई और प्रॉब्लम थी मोइन भाई? क्या होता है पेट्रोल जो अपन चला के खड़ी करते हैं रनिंग में, तो ये पेट्रोल सारा नीचे उतर जाता है पाइपों के। अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया ना, ठीक है। हमारे मोइन भाई गाड़ी की टेस्टिंग करते हुए कही चल रही है भाई।
तो गाइस जैसा कि अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3:30 और मोइन भाई को वापस से मैं शॉप पे छोड़ के आ चुका हूँ। इसके अंदर छोटी मोटी जो भी दिक्कतें थी स्टार्टिंग से लेके जो भी थी मोइन भाई ने अभी फिलहाल उसको बिल्कुल सही कर दिया है। बाकी उन्होंने बोला है कि अभी इसको चलाओ आप बिल्कुल फ्री होके आना एक दिन, तो सुबह से लेके शाम तक इसके अंदर जो भी छोटी मोटी या फिर जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है या इंजन में कोई अगर दिक्कत होगी तो वो सारा वहाँ पे सेटअप कम्प्लीट कर देंगे। तो मोइन भाई को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा घर आने के लिए और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल का मैं आपको सीन बता देता हूँ भाई। इंटीरियर में मुझे काम करते हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, बाकी मैंने दिखाया नहीं है आपको, ये पार्ट बना रहा हूँ लास्ट वाले पार्ट, मतलब कल भी मैंने इंटीरियर पे काम किया था, थोड़ा सा टाइम लैप्स आपने देखा होगा। आज भी मैं इंटीरियर पे काम कर रहा हूँ और फिर भी इंटीरियर का काम अभी 50% बचा हुआ है। चलिए इंटीरियर की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, किस तरीके का यहाँ पे दिखने वाला है तो आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट अपन ने चेंजेस करा है वो रहने वाला है अपने डोर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा पोर्शन था ये मैट ब्लैक कर दिया है, यहाँ से ये मैट ब्लैक करा है और ये ग्लॉस ब्लैक करा है ताकि एक अलग सा थीम निकल कर आया, बिल्कुल भरी भरी सी गाड़ी एकदम देखने में लग रही है। क्योंकि ये वाला जो कलर था ना ये इस पे था और इधर भी था तो बीच में ब्लैक था तो इतना मतलब खास नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे इनको अपन ने पूरा यहाँ से ब्लैक करा तो अलग सा थीम यहाँ से निकल के आ रहा है, रेड का जो टचअप है उभर के आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरा जो ये इंटीरियर है, ठीक है, ये इंटीरियर को यहाँ से अपने डिजाइन करने वाले हैं, बाकी इसका ही काम बचा हुआ है मेन, अब बाकी सारा हो चुका है। ये वाली जो जगह देख रहे हैं आप, ये जालियां देख रहे हैं, इनको अपन रेड में टचअप देंगे, बाकी का ब्लैक रखेंगे। कॉम्बिनेशन है वो ये रहने वाला है, जैसे कि मैंने इसको ब्लैक कलर मारा था तो मेरे को इतना खास रिजल्ट इसका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा निशान दिख रहा है, कलर उभरा हुआ दिख रहा है यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं इसको ब्लैक करूंगा तो ये सारी चीजें भी मैट हो जाएंगी, तो एक ओरिजिनलिटी वाला लुक नहीं आ पाएगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मुझे इसको मैट करना चाहिए या फिर इसी तरीके से इस डैशबोर्ड को ओरिजिनल रहना चाहिए और रेड का टचअप इसके ऊपर दे देना चाहिए। जहां तक लग रहा है कि मैं इसको मैट नहीं करूं और इसी में रेड का टचअप दे दूं, क्योंकि यार अगर मैट करूंगा ना तो पूरा खुलेगा, उसके बाद ये सारी चीजें मिट जाएंगी जो भी मैंने आपको दिखाई है और इतना ओरिजिनलिटी नहीं दिख पाएगी। ठीक है, तो मेरा तो कमी मूड है, बाकी आप लोग जो बताएंगे वैसा अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर पीछे से गाड़ी की बात करते हैं तो पीछे भी अपन ने उसी तरीके का यहाँ पे दिया है, जैसे कि इधर से ब्लैक कर दिया है पूरा, ये डोर्स ब्लैक कर दिए हैं, इधर से ब्लैक कर दिए हैं और थोड़ा सा अगर बाहर से दिखाता हूँ तो बाहर से अपन ने ये वाली लाइन करी है, ये वाली लाइन पूरी हाईलाइट करी है, जो कि यहाँ से होके आपको दूर से एक बार चेक कराता हूँ, वहां से आप देखो पूरे आगे के बम्पर के यहाँ से पीछे से लाइन जा रही है और नीचे का जो पूरा था ये यहाँ से अपन ने पूरी ब्लैक करके पीछे तक इसको पूरा एक सेसा मिलाया है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रही है गाड़ी को दूर से। अगर आप दूर से देखोगे तो थोड़ा सा हाईलाइटेड लुक निकल के आ रहा है और जो काम बच रहा है वो बच रहा है इस वाली पट्टी का, इसको अभी मैं रब करके और इसको भी कलर करूंगा। इससे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि रहने वाला है इसका रूफ यहाँ पर। ठीक है, अब ये रूफ के अंदर मैं थोड़ा सा भी टच दिया है ब्लैक का, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है और ओरिजिनल ये कुछ इस तरीके का है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहा है वो ये ब्लैक ही आ रहा है, क्योंकि यार अगर अपन ने गाड़ी को पूरा अंदर से ब्लैक और रेड में लुक दिया है, ये पिलर्स वगैरह ही ब्लैक कर दिए हैं और पीछे से अगर डिक्की की बात करता हूँ ये सारा पोर्शन यहाँ से ब्लैक कर दिया, अब ये वाला बच रहा है इसको मैं ब्लैक करूंगा तो फिर रूफ जो है वो अलग अलग सा हाईलाइटेड होगा अगर यूं अगर आप दूर से अपन गाड़ी को देखेंगे। तो मैं इसका जो रूफ है वो भी यहाँ पे ब्लैक ही कर रहा हूँ, वो भी पेंट से। पेंट का जो रिजल्ट तो मेरे को बहुत अच्छा देखने को मिला, अब ये सूख भी चुका है, मैं आराम से इसको हाथ से हट सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो जो आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो रूफ ब्लैक हो जाएगा, साथ के साथ जो इंटीरियर पर अपन काम करने वाले हैं जालियां वगैरह वो सारी हो जाएंगी और जो और उसके बाद जो काम रहेगा वो रहेगा अपना मेन सीट कवर्स का और अपने गाड़ी के स्पॉइलर का। हाँ जी, मॉन्स्टर स्पॉइलर मंगा लिया है इसके लिए जो ऊपर खड़ा होकर लगता है और थोड़ी बहुत फिल्म्स वगैरह चढ़वाएंगे, स्टिकर वगैरह लगवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपडेट मिल जाएगी। इस पार्ट में मैंने आपको भी मेन अपडेट दिया है कि गाड़ी के अंदर किस तरीके का क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों के बहुत इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं कि आखिर भाई 800 का बताओ, 3 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला आपने, 4 दिन हो गए, तो ये वीडियो के अंदर ये सारा चल रहा है, क्योंकि अब हर जगह छोटी छोटी मैं आपको चीज दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, भी थोड़ा बोर होने लग जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेन हाईलाइटेड चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से, क्योंकि कुछ काम ऐसे रहते हैं जो कि हम ऑफ कैमरा भी करते हैं गाड़ी के अंदर। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप रजा नेशन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि बहुत प्यारा प्रोजेक्ट के ऊपर अपन भी काम कर रहे हैं जो कि रहने वाला है मारुति 800। इसका मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल होने वाला है, सीरीज बाय सीरीज में इसके पार्ट डालते जा रहा हूं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं टायर्स वगैरह के या क्योंकि अपन ने बाहर का इसका एक्सटीरियर बनाया उसके पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मेरा डोनेशन मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना और प्यारा सा कमेंट करके जरूर देना।
तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.